सो लगे हाथों आपको मेढक बंदे भी दिखा देंगे इस बहाने के भाई। और ये एग्जिट खोला गया है भाई, आपका नाम क्या है? सुमेश शर्मा जी। क्या कि उनको बैटिंग नहीं मिली सेकंड पे तो वो स्टम्प लेके चले गए। ये करने के लिए बुलाया है। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल ओजी टीवी। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एक कड़कती ठंड में। क्या ठंड है भाई, अब पता नहीं आप व्लॉग देख रहे हो उस दिन धूप निकली कि नहीं। सो या और ये भाई हमारी टॉवल आती हुई, हम लोग ये काम करने वाले हैं इतनी खड़कती ठंड में नहाने जा रहे हैं। नहाने जा रहे हैं मतलब सच में नहाने जा रहे हैं। और हमको लगता है ये काम अंजाम देने के बाद मैं खतरों के खिलाड़ी में ऑडिशन दे सकता हूँ। सो भाई अपन लोगों ने नहा धो लिया है और यहाँ पे आ गए हम लोग न्यू ईयर में। और भाई यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है यार, यहीं से स्टार्ट हो गई भीड़ भाई, पूरा मेढक बंदी फुल है। सो लगे हाथों आपको मेढक बंदी भी दिखा देंगे इस बहाने के भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये तो पीक टाइम है जब यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है भाई, सब ओवरलोडेड है यार, सब एकदम क्राउडेड एरिया है। लेट्स गो, चलते हैं देखते भाई कोई मिलने वाला है, मिलेगा तो सही रहेगा। लेट्स सी क्या होता है आगे भाई। रियल में इतनी भीड़ लगी हुई है यार, सब न्यू ईयर यही बनाने आ गए। भैंस की आंख भाई, क्या बात है। पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, सुरक्षा पूरी है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। अपन अकेले आ गए क्योंकि अपन के कोई साथ नहीं है, अपन अकेले हर जगह जाते हैं और शूट वूट वगैरह करते हैं भाई। क्या क्राउडेड है, पहले तो बड़े चक्कर लेंगे एक। इतनी भीड़ में कोई तो कोई अपना मिलना ही है। सो दिस इज अ साइड व्यू, यहाँ पे भी काफी भीड़ है। और यहाँ पे मेरे को ओएल का कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी, सिर्फ दो तीन फेसेस दिख रहे हैं ओएल के, सब बाहरी है भाई। अच्छा लगता है भाई टूरिस्ट प्लेस ऑफ ओएल। बैक से भी अच्छी फोटोज आती हैं यहाँ पे भाई। बहुत पहले मैंने फोटो वोटो खिंचवाई थी, बहुत पहले, तब इतना कोई एंड्रॉयड का जमाना भी नहीं था यार, तब नोकिया से खिंचवाई थी फोटो यहाँ पे। अब तो शौक ही नहीं रह गया भाई फोटो वोटो का, कोई मिला ही नहीं भाई, बेइज्जती होगी अपनी। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023। सो बेसिकली यहाँ से एंट्री होती है, ये बना दिया है वैसे, यहाँ पे बना नहीं था, ये नया बना हुआ है। बाकी सब आगे से जाते थे हाथ पर से मेढक के, और कंटिन्यू लोग आ ही रहे हैं। देखो वहाँ पे कितनी भीड़ लगी है यार, हद से ज़्यादा। यहाँ पे अकेले आने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार, साथ में किसी के आते तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता। कोई मिला भी नहीं, चलते हैं ब्रो अपन। उधर से एग्जिट, तो भैया पुलिस वाले कह रहे हैं कि उधर से एग्जिट है, इधर से एग्जिट नहीं है। तो काफी सही है यार कि दो जगह बना दी कि एक से एंट्री है एक से एग्जिट है। ये फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ये बिल्डिंग कभी खुलती नहीं है। यहाँ पे जो इसको मेंटेनेंस करते हैं वही लोग रहते हैं यहाँ पे, बट इसको इस टाइम के लिए इसको एग्जिट की तरीके से यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे भाई मेढक मंदिर है और ये एग्जिट खोला गया है भाई। आपका नाम क्या है? सुमेश शर्मा जी। कह रहे हैं व्लॉग हम कर रहे थे, कह रहे थे भाई तुम चैनल है क्या तुम्हारा? सो ये चैनल आप सब्सक्राइब करा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा यहाँ पे। चलो भाई इसको देखते हैं कैसे क्या है भाई। इसको लेंटिंग बनने की इसकी चल रही है, कितना सही है यार ये। वैसे ये पार्ट काफ़ी हॉरर लगता है सामने से, जब रास्ते गुजरो तो ये पार्ट बहुत हॉरर लगता है, बट अभी सही लग रहा है। सो ये कुछ ऐसा एग्जिट है। सो लेट्स गो, अपना तो भाई टूर कंप्लीट हो गया न्यू ईयर का, अब चलते हैं। बाइक अपनी कहाँ पार्क्ड है? बाइक आगे पार्क है चलो भाई। कितनी गाड़ी है यार भाई, आपको गाड़ी पार्किंग बताओ ना। यहाँ की पार्किंग भाई चौराहे से स्टार्ट हो रही है, चौराहा जो है वहाँ से सब गाड़ी पार्क है। मेरे झोल में गाड़ियाँ पार्क हैं भाई यहाँ के लिए, बहुत पब्लिक आई हुई है। ये देखो भाई मेरे झोल में देखो गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, समझ रहे हो? ये रास्ता मेढक मंदिर को जाता है और वहाँ पे मेढक मंदिर दिख रहा है,
कितना भाई कितना ही क्राउडेड एरिया है इस टाइम पे। हमारे ठाकुर साहब मिले हमें चश्मा लगाते हुए। न्यूयॉर्क पे क्या कहना चाहेंगे मैसेज? बड़ा बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया, क्या हो गया? मैं इनकी पोल खोलना चाहता हूँ कि ये विस्की लेके जा रहे हैं। ये विस्की लेके जा रहा है पार्टी करने। आप विस्की दिखा देते स्टॉक कितना है विस्की गत्ते में। विस्की तो यहाँ पे विस्की है भाई। कौन है पिटबुल मिक्स लग रहा है भाई? कौन है? अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली। ये बुली बुली नाम कैसा है यार? ये पिटबुल। पिटबुल अमेरिकन बुली। इनको बुली किया गया था। बहुत क्यूट सा है। तो इन्होंने भैया चाबी नहीं निकाली है क्योंकि प्रधान लिखा हुआ है ना ऊपर, तभी लगी हुई चाबी। ठीक है बाय बाय। न्यू ईयर बनाना हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय विस्की। विस्की बाय बाय। अब भैया को विस्की पीने मत देना आप। तो न्यू ईयर पे क्या कहना चाहेंगे राहुल? बता, तुम्हें फेस नहीं ला रहे, ऐसे बोल दो तुम। तोबा। हम भाई आए यहाँ पे, हमको लगा मैच होने जा रही है, प्लेयर बद रहे हैं भाई। ये लोग अटेंडर वाले हैं यार। हम लोग उस फील्ड से भगा दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे अड्डी डंडा हो रहा है और हम लोग यहाँ पे अपना स्थल बनाएंगे और यहाँ विराजमान होंगे। तो हम लोग की टीम टॉस जीत चुकी है। बैटिंग करने का फैसला लिया गया है क्योंकि बैटिंग ही ली जाती है, बैटिंग के लिए हम लोग आते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे सारे प्लेयर्स का वेट हो रहा है और भी 10-15 मिनट हो चुके हैं भाई मैच। हमको लगता नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि अपनी बैटिंग है ना, फील्डिंग होती स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे प्लेयर गुस्सा आ गए हैं कि सेकेंड बैटिंग उनको नहीं मिली। और फिर से एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग फुद्दू मैच खेल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नहीं, कि उनको बैटिंग नहीं मिली सेकंड पे तो स्टम लेके चले गए। तो वो दिक्कत नहीं यार, ये होता है अभी भी। तो फाइनली हमारा देसी स्टम रेडी हो गया। अब वो लोग भाई चले गए अपने अलग मैच खेलने के लिए। राहुल डिक्लेयर हुआ, उसकी जगह उतरे हुए हैं। भागो 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 भागो। बहुत हार्ड। हाँ ये कर लो पहले। मेरे को मज़ा नहीं आया बैटिंग करके भाई, खेल ही नहीं पाया सही से। क्या कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे खेल ही नहीं पाता हूँ या तो आज बुरा दिन था। वैसे हम लोगों ने 7 ओवर में 45 रन बना लिए हैं, अपोनेंट टीम को 46 रन बनाने हैं। वैसे नॉट आउट हुआ यार मैं, आउट नहीं हुआ था। अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे सेकेंड मैच स्टार्ट हो चुका है। और फर्स्ट मैच हम जीत चुके थे बहुत आसानी से, और या फर्स्ट मैच हम लोग जीत गए थे 16 रन से। अब चलते हैं घर, सेकंड मैच नहीं खेलेंगे, घर पे चल के अपने काम वाम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो या सो गाइस, अब वक्त आ गया है क्योंकि ये न्यू ईयर है, 1 जनवरी है तो हम लोग भाई जाने वाले हैं जिम। बहुत कॉलें आ रही हैं यार। मैंने जस्ट प्रे की है मगरिब की प्रेयर, और मगरिब की प्रेयर से पहले गुरु जी से बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था कि भाई न्यू ईयर पार्टी है, आओ यार कवर ओवर करो आके सब चीज़ें। तो वैसे तो मैं पार्टी वार्टी में बिलीव नहीं करता हूँ, पर यार गुरु जी ने प्यार से बुलाया है तो पार्टी कवर करते हैं चल के। और अपना जिम भी कर लेंगे, वहाँ पार्टी हो रही है अपना जिम थोड़ा बहुत कर लेंगे। अपन जिम तो पहुँच चुके हैं पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ही नहीं है यार, कोई है ही नहीं हम लोग के अलावा शायद। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। यहाँ बढ़िया बढ़िया, ये तो मंदिर चल रहा है मामला। ये करने के लिए बुलाया है। यहाँ पे आके फंस गए भैया, ये काम हम करवाएंगे मेरे से। मेरे को लग रहा बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी चल रही होगी। हम तो चुप्पे चाप जिम करेंगे अपना। जिम हम कुछ नहीं होगा, गाएगी
यार, फूट की एक्सरसाइज होगी। वैसे भी 8-9 दिन बाद आ रहे हैं, आज करोगे तो कितना छुट्टी? हमको लगा बहुत भीड़ भाड़ होगी, सब वहाँ पार्टी वार्टी इंतजाम होगा, केक आया होगा। केक आया हुआ है बढ़िया, ये सेलिब्रेशन है। जिम में केक हजम नहीं हो रहा हमें कुछ। ये भी फूटेगा। तो कितने लोग आ रहे हैं फिर, आएंगे नहीं लोग आएंगे? पिछली बार तो क्या किया था, आज जिम का बर्थडे है भैया। जिम का बर्थडे? हाँ, तो बर्थडे पार्टी तो मनाते नहीं है। आज जिम का बर्थडे, लॉजिक सही है आपका भाई, लॉजिक सही है। इंसानों का बर्थडे नहीं है ये, तो उसका हाँ जिम का बर्थडे है, इंसानों की वजह करते हैं जिम का, ये जिम की वो थोड़ी ना कटेगी कभी। ये तो फूल नहीं रहा अपने से भाई। ये थोड़ा टाइट, थोड़ा ब्लैक वाला लोग बेइज्जती ना करना, जिम वाले बंदे बंदा पूरा हो जाएगा। फाइनली बुला रहे हैं स्ट्रगल के बाद, एक स्टार्ट करो। अपना सफर यहीं तक था, इतने हमने फुला दिए हैं। अब हमें मिल चुका है डबल साइडेड टेप। गुरुजी कह रहे हैं कि तुम फुला नहीं सकते हो तो तुम चिपका दो, तो हम चिपकाएंगे और यहाँ पे साइड में लगाएंगे। और गुरुजी ने बहुत बढ़िया एडवाइस दी है कि शीशे के साइड में लगा दो, क्योंकि इससे आराम से ये जो टेप है वो हट जाएगा लगने के बाद। क्या दिमाग है भाई। चलो अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोगों ने कुछ ऐसा डेकोरेट किया है, देखो भाई अपना नॉलेज इतना ही काम करता है। तुम लोग हंसना नहीं भाई, जैसा डेकोरेट किया है भाई हो गया है भाई, थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं इसमें। साफ बात है, जिम अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पर अपने लिए वर्कआउट जरूरी है। घमंड में वर्कआउट जरूरी है। फाइनली हमारा जिम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है पार्टी के लिए, और अपनी एक्सरसाइज भी हो गई सारी। देखिए ऐसा कुछ डेकोरेट हुआ है, इनका भाईजान का बड़ा इसमें वो है योगदान। क्या कहना चाहेंगे अमीर भाई? लो ये देखो गिर रहे हैं ऐसे, ये काम किया तुमने तो बात। केक नहीं मिलेगा तो बढ़िया। मिल लो ये ध्यान। सो फाइनली कुछ ऐसा लग रहा है यार, और अपनी एक्सरसाइज तो हो गई, अब अपन निकलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है जाने का। सो शायद मैं पार्टी में इन्वॉल्व ना हो या निकलते हैं भाई, अभी 7 बज रहे। क्या तुम व्लॉगर बोलोगे मेरे को? हाँ ले आज ही कर रहे हैं शुरू। और क्या तुम कब आ रहे हो? बहुत ज्यादा ठंडा में नहीं, न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। कल मैंने ऑफिस में पार्टी थी, कल वहीं से अब आए हैं। अच्छा वहीं कल से वहीं थे तुम? रात भर रुके थे? ये कौन सा ऑफिस है भाई, रात भर रुकते हो? ठीक है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना वर्कआउट कर लिया है, अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, प्रोटीन वगैरह पीते हैं। और यार अभी टाइम भी हो रहा है, तुम भी निकलो शांतनु, ये केक खाने आए लखीमपुर से। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और खाना वाना खा चुके हैं, और बढ़िया एकदम मस्त एकदम वर्कआउट रहा। और कुछ आप लोगों से शेयर करना है कि भाई मेरा वर्कआउट जो मैंने किया है ना इतने दिनों बाद, तो मेरे को मज़ा आ गया। मतलब भाई क्या फील था यार, क्या मोटिवेशन था। वो मोटिवेशन कहीं भी यूट्यूब से नहीं मिल सकता, नरील से मिल सकता है, वो मोटिवेशन आपको जिम में मिलेगा। सो इंडिविजुअली मेरे केस में ये काम कर रहा है कि मोटिवेशन टाइप। तो ये न्यू ईयर की वीडियो आपको कल ही मिलने वाली है, तो अभी एडिटिंग पे बैठना पड़ेगा। सो या तो इस जल्दी व्लॉग के लिए एक लाइक तो बनता है।